इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो विज्ञान को मानते हैं और दूसरे वो जो भगवान को मानते हैं। विज्ञान कहता है कि भगवान महज एक कल्पना है जो आम लोगों के द्वारा बनाई गई है। इतिहास में इस बात के साक्ष्य तो हैं कि इंसानों ने भगवान को बनाया है, लेकिन इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि भगवान ने इंसानों को बनाया है। वहीं भगवान की विचारधारा रखने वाले लोगों का अपना एक अलग ही बयान है, जो विज्ञान की विचारधारा रखने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं आस्तिक और नास्तिक के बीच सदियों से चले आ रहे संघर्ष के बारे में, जो आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। सबसे पहले हम नास्तिकतावाद को समझते हैं। नास्तिक लोगों की मान्यताओं या फिर उनके सिद्धांतों को नास्तिकतावाद कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो इस जगत की सृष्टि करने वाले, इसका संचालन और नियंत्रण करने वाले किसी भी ईश्वर के अस्तित्व को सर्वमान्य प्रमाण के ना होने के आधार पर स्वीकार नहीं करते हैं, यानी स्पष्ट प्रमाण की गैर मौजूदगी के कारण नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व को झूठा करार देते हैं। इनका कहना है कि भगवान जैसी कोई चीज पूरे ब्रह्मांड में कहीं मौजूद नहीं है, ये सिर्फ मन का एक वहम है जो सदियों से मानव जाति के मन में घर करके बैठा है। इस भौतिक जगत की उत्पत्ति किसी भगवान ने नहीं करी है, बल्कि ये एक इत्तफाक का नतीजा है। इस जगत का संचालन प्रकृति के नियम करते हैं, जिन्हें हम विज्ञान के अंतर्गत समझते हैं, और इन नियमों को बखूबी प्रमाणित भी किया जा सकता है। विज्ञान प्रमाण देने में कभी पीछे नहीं हटता, इसलिए नास्तिक विज्ञान को मानते हैं। अधिकांश नास्तिक किसी भी देवी देवता, परालौकिक शक्ति, धर्म और आत्मा को नहीं मानते। नास्तिक मानने के स्थान पर जानने पर विश्वास करते हैं। वहीं दूसरी ओर आस्तिकतावाद है, यानी वो लोग जो ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। इन लोगों का कहना है कि इस संपूर्ण जगत का एक रचनाकार है, जिसने 5 तत्वों का निर्माण कर इस सुंदर जगत को रचा है, हम सबको बनाया है। अगर हम पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश करें तो ये बात हजम नहीं होती कि इतना कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स सिर्फ एक इत्तफाक का नतीजा है। चीजें इतनी व्यवस्थित हैं जो अपने आप में शायद कभी नहीं हो सकती। अगर हम केवल अपनी पृथ्वी को देखें तो जिस हिसाब से ये बनी है और जो वातावरण इस पृथ्वी पर जीवन को पनपने की इजाज़त देता है, वो अपने आप में अद्भुत है। ये लोग आत्मा, परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और इनके पास एक ऐसा विज्ञान है जो आज के आधुनिक विज्ञान के अंगों में नहीं गिना जाता, और वो है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को ग्रहों और नक्षत्रों के अध्ययन के माध्यम से बता सकता है। ओशो जैसे महान दार्शनिक ज्योतिष विज्ञान को सच मानते हैं, लेकिन आज का विज्ञान इसे विज्ञान नहीं मानता, क्योंकि संतुष्टजनक प्रमाण आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी मौजूद नहीं है। आस्तिक कहते हैं कि इस पृथ्वी पर आज तक जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, वे सब ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में ASI ने आस्तिकों के इस दावे पर सहमति जताई है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अब तक की खोजे जाने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, इसके एक शहर मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान बहुत सी चीजें मिली, लेकिन एक ऐसी मूर्ति मिली जिसने सबको चौंका दिया। वो मूर्ति पशुपति शिव जी की थी। शिव जी हिंदू धर्म के सबसे महान और शक्तिशाली देवताओं में से एक माने जाते हैं। यानी यहाँ ये बात साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वर को मानते थे। हैरानी की बात तो ये है कि आज तक जितनी भी सभ्यताएं लुप्त हुई हैं, उन सब में ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मूर्तियों और चिन्हों के रूप में देखा जा सकता है। अगर आस्तिकतावाद एक अंधविश्वास है या फिर एक झूठ है, तो हजारों सालों से एक झूठ कैसे ज्यों का त्यों बना हुआ है? एक झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, ये साल भर रह सकता है,
10 साल रह सकता है, 100 साल रह सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। लेकिन ये कैसा झूठ है, कैसा अंधविश्वास है जो आज भी टिका हुआ है, जिसे आज तक आधुनिक विज्ञान पूर्ण रूप से बेनकाब नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि प्राचीन सभ्यताओं में आस्तिकतावाद की मौजूदगी हमें क्या बताना चाहती है, हमें क्या संकेत देना चाहती है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये अनंत ब्रह्मांड, जिसे आज का विज्ञान चाहकर भी नहीं समझ पाया, क्या इसकी उत्पत्ति महज एक इत्तफाक है, यानी कोइंसिडेंस है, या फिर इसे किसी ने गढ़ा है। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से जब धर्म और विज्ञान के ऊपर कुछ लिखने को कहा गया, तो उन्होंने लिखा, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो आइंस्टाइन भगवान में विश्वास करते थे। लेकिन आपको उनके द्वारा लिखी हुई कई ऐसी बातें मिल जाएंगी जिसे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि वे भगवान में विश्वास नहीं करते थे, यानी वो घोर नास्तिक थे। आपका क्या विचार है आस्तिकतावाद और नास्तिकतावाद के सिद्धांत के ऊपर, और क्या आप ईश्वर की मौजूदगी को स्वीकार करते हो, यानी क्या आप आस्तिक हो या फिर नास्तिक, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही हमें सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें।